योम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। निसार हवेली से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारों ने सैयद के लाल को पुरसा दिया। गमे हुसैन में नोहा खानी और गरे आजारी। जुलूस अपने मुकर्रा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। शाम गरीबा बर्पा हुई। जाकरीन ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके असहाब की शहादत के बाद उनके हरम और बच्चों के मसाइब बयान किए। यजीद था हुसैन रहेगा। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस अज़ा। अल्लामा सखावत अली ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल और मसाइब बयान किए। अज़ादारों ने एबट रोड पर नमाज ज़ुहरैन अदा की। मजलिस के बाद खलीफा सैयद शबर ज़ैदी ने खाके करबला से बनी तस्वीर की ज़ियारत कराई। अज़ादारों की आंखें नम। सैयदा को केलाल का पुरसा दिया। गुलबर्ग में हजरत इमाम हुसैन रोड पर मजलिस शाम गरीबा बर्पा हुई। अलामा मुस्तफ़ा मेहदी ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाए जाने वाले मुजालिम बयान किए। अहसन अली ने सोगो सलाम पेश किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल और आईजी पंजाब का करबला गामे शाह का दौरा। मरकजी जुलूस के रूट पर इंतजाम देखे। अम कमेटी के मेम्बरान और जुलूस के मुंतजमीन से मिले। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान और सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की इंतजाम पर ब्रीफिंग। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने अम कारवां की क्यादत भी की। डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद समेत दीगर अफसरान हमरा थे। सूबाई वजीर असलम इकबाल का ठोकर न्याज बेग इमाम बारगाह का दौरा। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम देखे। डीसी उमर शेर जठा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदनान रशीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास भी हमरा थे। योम आशूर के जुलूस खत्म। मोबाइल फोन सर्विस बहाल कर दी गई। रात के 12 बजते ही डबल सवारी पर भी पाबंदी खत्म। सिक्योरिटी के पेश नजर बंद मेट्रो बस भी आज से दौड़ना शुरू करेगी।